हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सनी देओल की फिल्म गदर 2 जहां 400 करोड़ की रेस में अब जल्द ही शामिल होने वाली है, तो वही दूसरी तरफ लगातार खबरें आ रही हैं कि सनी देओल अब अपनी सौतेली बहन ईशा देओल के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है लगातार कि जो सनी है वो इस रक्षाबंधन का त्यौहार को अपनी छोटी बहन आहना और ईशा देओल के साथ मनाने वाले हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि सनी देओल अपनी बहन ईशा के घर पर जाएंगे, अपने जीजू पर प्यार लुटाएंगे और अपनी बहन से अपनी कलाई पर रक्षा की राखी को बंधवाएंगे। लेकिन मैं अब आपको इस खबर का सच बताने के लिए हाजिर हो गई हूँ, क्योंकि ये खबर लगातार जब से आई है तब से फैंस की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, क्योंकि पहली बार गदर 2 की जो स्क्रीनिंग है वो ईशा देओल ने अपने घर पर रखी। भाई बहनों में अटूट प्यार दिखा, सगे भाई बहनों से बढ़कर सौतेले भाई बहन नज़र आए थे मीडिया के सामने, और ये पहला मौका था जब धर्मेंद्र के 4 बच्चे एक साथ दिखाई दे रहे थे एक ही फ्रेम में। सनी, ईशा, आहना और बॉबी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। पर अब जो मैं सच्चाई आपको बताऊंगी, रक्षाबंधन त्यौहार से जुड़ी हुई सनी और ईशा को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा आपको चौंका देगी, क्योंकि धर्मेंद्र के एक करीबी सूत्र ने इस बात का खुलासा किया है कि जो ये खबरें आ रही हैं ये पूरी तरीके से गलत है। इस तरह की कोई भी बातचीत अभी हमारे घर में नहीं चल रही है, ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। पता नहीं कहाँ से इस तरह की बकवास खबरें उड़ाई जा रही हैं। ये तमाम बातें धर्मेंद्र के करीबी सूत्र ने एक इंटरव्यू में बताई हैं और ये खबर सामने आने के बाद फैंस काफ़ी हैरान हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अब वाकई में सनी और ईशा के बीच में जो पैचअप हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए था या फिर सही में इन दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा है। इस वीडियो में इतना ही।